पेरेंट्स, मैं हूँ अश्मिता और आपका बहुत स्वागत है मेरे चैनल एक्सपेरिमेंटल मॉम में। इस चैनल में आपको हफ्ते में मिलेंगे दो वीडियो, बुधवार और शुक्रवार को। बुधवार को आपको मिलेंगे किड्स रिलेटेड वीडियो, जिसमें आप जितने भी बच्चों के प्रॉब्लम होते हैं उन सबका सोल्यूशन मिलेगा, और शुक्रवार को मिलेगा सारे एक्सपेरिमेंट जो भी वायरल है, जिसको आप ट्राई करना चाहते हैं वो मैं ट्राई करूंगी और बताऊंगी रिजल्ट आता है कि नहीं। तो चलिए अपना वीडियो स्टार्ट करते हैं। आज का टॉपिक बहुत इम्पोर्टेंट होने वाला है। तो आज का टॉपिक है बच्चों का जीभ कैसे साफ करें। सुनने में बहुत छोटा टॉपिक लग रहा होगा, लेकिन ये है बहुत महत्वपूर्ण। तो इसमें पहले मैं चार स्टेज में इसको डिवाइड करूंगी। पहला है 0 to 6 month के बच्चे, उसके बाद 6 to 1 year के बच्चे, उसके बाद 1 to 2 years के बच्चे, और उसके बाद 2 years के बाद के बच्चे। तो चलिए फिर बात करते हैं इस बारे में। आपको बिल्कुल साफ कपड़ा यूज करना है, ऐसा नहीं कि कुछ भी चीज उठाया, मतलब साड़ी का आंचल उठा लिया उससे साफ कर लिया, ऐसा बिल्कुल नहीं करना है आपको। आपको लेना है एक साफ कपड़ा, उससे ही आपको बच्चे के मुंह को साफ करना है और जीभ को साफ करना है। तो पहले हम बात करेंगे 0 to 6 month के बच्चे। इस वक्त बच्चों का सर बहुत नाजुक होता है, वो लोग सर को स्थिर नहीं रख पाते हैं। तो इस वजह से मैं यहाँ पे एक टॉय यूज कर डॉल यूज कर रही हूँ समझाने के लिए। आपको अपना हाथ रखना है ऐसे और बच्चों के गले में ऐसे पकड़ना है, ऐसे करके मतलब आपकी हथेली का सपोर्ट भी उसके सर को मिलना चाहिए और दोनों साइड से, मतलब उंगलियों से, थम से उसके दोनों सिरे पकड़े होने चाहिए। ऐसे ऐसे लेकर के फिर आपको एक इस कोई भी कपड़े में आपकी उंगली को घुसाना है, उसको गर्म पानी में डिप करना, मतलब लुक वार्म वाटर होना चाहिए, गुनगुना पानी, उसमें आपको डिप करना है और ऊपर एकदम हल्की हल्की उंगलियों से उसका टंग क्लीन करना है, उसके मसूड़ों को एकदम मतलब जस्ट बहुत हल्के हाथ से उसको क्लीन करना है। याद रखिएगा कि उसका सर आपको बहुत अच्छे से पकड़ना है, बहुत अच्छे से होल्ड करना है। अब बारी आती है सेकेंड स्टेज की, मतलब 6 month to 1 year के बच्चे। उनके लिए क्या होता है कि पहली चीज उन लोगों का सर स्थिर होना स्टार्ट हो जाता है। तो आप इन दोनों साइड की उंगलियों को लेंगे और ऐसे पकड़ेंगे, ऐसे करके। इस बार आप हथेली का यूज ना भी करेंगे तो भी चलेगा। सेम कोई भी साफ कपड़ा आपको उठाना है, उसको हल्के गुनगुने पानी में डिप करके उंगली में लेना है कपड़े को, उसके बाद साफ करना है। लेकिन अब आपका हाथ पहले के कंपैरिजन में थोड़ा हार्ड जाएगा, थोड़ा ज्यादा नहीं, थोड़ा हार्ड जाएगा। आपको हल्के से हाथ, मतलब हार्ड उंगलियों से उसके मसूड़ों को रगड़ रगड़ के अच्छे से साफ करना है, और उसके बाद उसके टंग को ऐसे करके, जस्ट मतलब क्या, ऐसे उंगली घुसाया आपने, कभी भी बीच से उंगली मत घुसाइएगा। अगर उसका हल्का सा भी दांत आ रहा है ना, तो बीच से उंगली मत घुसाइए, उसके बाद आपका उंगली कट के निकल जाएगा अगर आपने बीच से उंगली घुसा दिया। तो आपको घुसाना है साइड से उंगली, और घुसा करके उसके टंग को अच्छे से सेम कपड़े से क्लीन करना है, क्योंकि उसका दांत निकलना उस स्टेज में स्टार्ट हो रहा होगा धीरे धीरे करके। तो अगर आप गीले कपड़े से उसके मसूड़ों को अच्छे से, मतलब धीरे धीरे करके ही अच्छे से ऐसे ऐसे मालिश करते हुए साफ करते हैं, तो उसको उससे बहुत आराम मिलता है बच्चे को। अब बात करते हैं थर्ड स्टेज के बारे में, 1 year to 2 years के बच्चे। उनके लिए आपको क्या करना है, उनको तो ऐसे पकड़ने की जरूरत नहीं है, वो चलना स्टार्ट हो जाते हैं, इवन भागना स्टार्ट कर देते हैं, और इस समय उनका दांत भी बहुत अच्छे से निकल जाता है। अच्छे से नहीं बोलूंगी, पूरा तो नहीं निकलता है, आगे का इतना और पीछे का, मतलब ऊपर 4-5 और नीचे 4-5 तो आराम से निकल जाता है। तो इस ऐसे बच्चों के साथ भी हम लोग को एक कपड़े का ही यूज करना, क्योंकि अभी उन लोग ब्रश तो कर नहीं पाएंगे, ब्रश क्या करेंगे तो पूरा खा ही जाएंगे टूथपेस्ट, तो वो ब्रश तो नहीं कर पाएंगे। तो 1 to 2 years के बच्चों के लिए आपको लेना है कोई भी साफ कपड़ा, और इस बार आपको उनको पकड़ना है एकदम कस के, जी हाँ, क्योंकि हम भागते बहुत ज्यादा हैं, तो आपको पकड़ना है उनको एकदम कस के। और सेम इस बार आपको कोई जरूरत नहीं लूक वार्म वाटर लेने का, गुनगुना पानी लेने का, आप नॉर्मल पानी से कपड़े को भिगोएंगे और साइड से घुसा करके उंगली टंग को बहुत अच्छे से क्लीन करना है, क्योंकि लोग धीरे धीरे सॉलिड फूड खाना स्टार्ट कर देते हैं, तो वो उनके जीभ में जमना, टंग में जमना स्टार्ट हो जाता है, और उसको निकालना बहुत जरूरी होता है। अगर आप उसको अच्छे से नहीं निकालते हैं तो आगे जाकर के उसके कारण ही बच्चों के मुंह में छाले पड़ जाएंगे, वो कुछ खाएगा नहीं, इस वजह से आपको उसके टंग को बहुत अच्छे से क्लीन करना होता है। सेम आप क्या करेंगे साइड से, क्योंकि अब दांत निकल चुका है, बहुत पैना दांत होता है फ्रेंड्स, बहुत तीखा दांत होता है, तो आपको साइड से उंगली घुसा करके टंग में लगाना है और थोड़ा सा प्रेशर दे करके अच्छे से आपको साफ करना है। उसके बाद हम हैंकी को अच्छे से धो लेंगे और फिर से उसके बाद
घुसा करके दांत को अच्छे से मालिश करते हुए जोर जोर से ताकत लगा करके साफ करेंगे उसके दांतों को, जो कि बहुत जरूरी है कि उसके दांत अच्छे से साफ हो, क्योंकि ये दूध के दांत होते हैं, बहुत जल्दी खराब होने के चांसेस होते हैं। इस स्टेज में बच्चे सब कुछ खाते हैं, चीनी खाते हैं, चॉकलेट खाते हैं, और वही उनके दांत में रह जाएगा तो आगे जाकर के कीड़ा लगना स्टार्ट हो जाएगा और बहुत सारा प्रॉब्लम स्टार्ट हो जाएगा। इसलिए इस स्टेज में आपको अच्छे से दांत को साफ करना है। तो अब बारी आती है फोर्थ स्टेज की, मतलब 2 ईयर्स से बड़े बच्चे के। इस एज में आप बच्चे को पकड़ के ब्रश नहीं करवा सकते हैं, मतलब ये होगा कि वो आपको पकड़ लेंगे, आप उनको नहीं पकड़ पाएंगे, इतना ज्यादा वो भागते हैं दौड़ते हैं। तो फिर आपको क्या करना है, आपको जब भी ब्रश करना है तो अपने बच्चों के साथ ही ब्रश करना है, ताकि बच्चा आपको ब्रश करते हुए देखे, वो पैटर्न समझे कैसे ब्रश करना है, टंग क्लीन कैसे किया जाता है वो समझे। इसमें बच्चों का टंग क्लीन करने के लिए आप नॉर्मल जो टंग क्लीनर यूज होता है, मैं भी अपने बच्चे के लिए कोई ऐसा हाईफाई नहीं यूज करती हूँ टंग क्लीनर, नॉर्मल जिससे हम लोग क्लीन करते हैं उसी का थोड़ा छोटा हम लोग लेकर के आए हैं और उससे ही बच्चों का टंग क्लीन करते हैं। लेकिन आपको सब कुछ पैटर्न फॉलो करना है उसके साथ में ही, आप इसको भूलिएगा मत। आपको ब्रश करना है उसके साथ में, आपको टंग क्लीन करना है उसके साथ में। तो उसके लिए आप लेंगे कोई भी टूथपेस्ट, मतलब बच्चों का ही टूथपेस्ट लेना है आपको। मैं फिलहाल ये कोलगेट का यूज कर रही हूँ, कोलगेट नेशनल फूड फ्लेवर है इसमें, और ये किड्स टूथपेस्ट है। जब से वंशु ब्रश करना स्टार्ट किए तो हम लोग यही टूथपेस्ट यूज कर रहे हैं, और हमने एक ब्रश भी लिया है ये वाला, मतलब जस्ट किड्स का नॉर्मल ब्रश आता है ये। तो उसके साथ बच्चे को पहले ब्रश करने देंगे, खुद से टंग क्लीन करने देंगे खुद से, आप करेंगे आपको देख करके वो भी करना चाहेगा, तो पहले आप उसको करने देंगे, उसके बाद आप उसका ब्रश लेंगे और उसके बाद उसका धीरे धीरे करके साफ करेंगे। और बोलते जाइए, अगर आपको कोई भी गाना आता है, कोई भी पोएम्स आता है, मतलब गाना ऐसा नहीं कि कुछ और गा देना है अपने जमाने का गाना, ऐसा नहीं, आपको बच्चों का ही पोएम गाना है और गाते गाते ही उसका टंग क्लीन करना है और दांत साफ करना है। तो सिंपल आप ब्रश लेंगे और धीरे धीरे करके उसका टंग, पहले आपको टीथ क्लीन करना है और उसके बाद आप कोई भी टंग क्लीनर लेकर के धीरे धीरे करके उसको, तब तक जो इस स्टेज में होते हैं ना बच्चों को टंग समझ में आता है तो उनको आप बोलेंगे कि बाबू टंग निकाल के दिखाओ, तो वो टंग निकालेगी। और जस्ट आप अच्छे से स्टार्टिंग में आप क्या करना मैं आपको बताती हूँ, स्टार्टिंग में क्योंकि तुरंत तुम टंग अंदर कर लेते हैं, तो स्टार्टिंग में आपको क्या करना, जब वो टंग बाहर निकालेंगे तो आपको टंग पकड़ना है उसका, ऐसे करके पकड़ करके फिर एक हाथ से टंग क्लीनर लेकर के धीरे धीरे साफ करना है। ये बेसिकली 1 से 2 हफ्ते तक चलता है ये टंग पकड़ने का सिस्टम, उसके बाद से ऐसा प्रॉब्लम नहीं रह जाता है। उसके बाद से आप उसको बोलेंगे टंग बाहर निकालने के लिए तो वो निकालेगी भी और आप आराम से टंग क्लीन कर पाएंगे। आई होप आपके सारे डाउट्स क्लियर हो गए होंगे। तो प्लीज, चाहे आपका बच्चा 0 मंथ का है या फिर 2 साल से बड़ा है, आप उसका टंग अच्छे से क्लीन करिए, जीभ अच्छे से साफ करिए, दांत अच्छे से साफ करिए, बहुत जरूरी है। आप स्टार्टिंग से करेंगे ही तभी आपके बच्चे के मुंह में कभी भी कोई प्रॉब्लम नहीं आएगा, दांत में कभी भी कोई प्रॉब्लम नहीं आएगा। आई होप आपके लिए वीडियो बहुत हेल्पफुल साबित होगा। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक करना बिल्कुल मत भूलिएगा। मिलती हूँ आपसे अपने नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए एक्सपेरिमेंट करते रहिए, खुश रहिए, तंदुरुस्त रहिए, टेक केयर, बाय बाय।